नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ओमान के बारे में। जी हाँ भाई, ओमान की हम डिटेल से बात करेंगे। नए वीज़ा से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड क्या क्या प्रोसेस आपको करना चाहिए, कितने इंडियन लोग वहाँ पे रहते हैं, कौन कौन से कितने देशों में, पूरा हम क्वारंटाइन से रिलेटेड पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको ओमान से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ओमान की स्थिति क्या है। ओमान में कोरोना केस बहुत कम है भाई, 50-60 के केस अभी तक समथिंग आ रहे हैं, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा केस नहीं है, अच्छी बात है। ओमान ने फ्लाइटें स्टार्ट कर दी थी, आपको सबको पता है, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट में उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। जी हाँ, अभी हम बात करें कि ओमान में, जी हाँ, सबसे ज़्यादा लोग है, आपको पता है भाई, ओमान में बता दूँ 37.2% लोग विदेशी हैं। विदेशियों में बात करें तो बता दूँ, ओमान में अगर बात करें तो बांग्लादेशी वर्कर हैं सबसे ज़्यादा, 528,682 बांग्लादेशी वर्कर अभी ओमान में हैं। भारत की बात करें, इंडिया की 4,65,037 लोग अभी तक हैं, लगभग 4.5 लाख आप मान सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की बात करें तो लगभग 1,80,000 लोग पाकिस्तानी हैं, ये लोग ओमान में हैं। बाकी अगर देखा जाए तो लगभग 63% ओमानी हैं और बाकी जो 37% हैं वो हैं अलग अलग देशों के लोग हैं। जी हाँ, जिसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी, सेकंड नंबर पे इंडियन, थर्ड नंबर पे पाकिस्तानी लोग वहाँ पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो लोग वहाँ पे रहते हैं। जी हाँ, हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले महीने में भी 10,000 लोगों की कमी आई है, यानी बढ़े नहीं हैं, कम हुए हैं। आपको पता है वीज़ा बनते भाई प्रॉब्लम थी, तो कमी होने वाले हैं, बढ़ते नहीं हैं। रोज़ वर्करों की जो संख्या वो कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। बाकी उम्मीद है कि बढ़ जाएगी, क्योंकि बता दूँ ओमान ने नए वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मेरा भी ओमान से रिलेटेड, तो आपको पता ही है ओमान ने नया वीज़ा का प्रोसेस है, वीज़ा अप्लाई का, वीज़ा वहाँ जो ओमान की अगर बात करें डॉक्यूमेंट सबमिट का, सबमिशन जो भी लेने का उनका वहाँ पे प्रोसेस होता है, उसको स्टार्ट कर दिया है। तो अभी ओमान नया वीज़ा जारी करना, वर्क परमिट वीज़ा स्टार्ट कर दिया है, तो वो अभी आप लोगों के साथ अच्छी न्यूज़, जो ओमान जाने वाले आप लोग हैं आपके लिए अच्छी न्यूज़ आ सकती है। आप अपने ऑफिस से, अपने कॉन्टैक्ट, आप जो भी एजेंट हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो यह बात है। आगे अगर बात करें कि अगर आप ओमान जा रहे हैं तो आपको क्या प्रोसेस करना चाहिए, देखिए सबसे पहले बता दूं कि अगर आप ओमान जा रहे हैं तो आपके पास दो डोज WHO से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब इंडिया में बात करें तो कोविशील्ड है भाई, बाकी अगर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, वो उनकी अलग अलग हैं, आप सबको पता ही होगा। WHO से मान्यता कोई भी डोज हो सकती है, वो आपको चलेगी। जी हाँ, वो कोई इशू नहीं है, समझ गए बात को। सेकंड बात करें, PCR रिपोर्ट 72 आवर्स यानी 72 घंटे तक की आपके पास PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। जी हाँ, ये प्रोसेस है। एयरपोर्ट पे रैपिड टेस्ट होता है, आप सबको पता है, वो तो लाजमी है, उन्होंने कर रखा है, वो भी QR कोड वाला। PCR रिपोर्ट भी QR कोड वाली, रैपिड टेस्ट भी QR कोड वाला, ये आपके पास होना ज़रूरी है। अगर इनकी बात करें तो इनको वेबसाइट पे, उनकी जो वेबसाइट है उन पे इनको अपलोड करना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट बता दूं, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, PCR रिपोर्ट, वैक्सीन प्रमाण पत्र, वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है QR कोड वाला, वो अपलोड करना पड़ेगा। 18 वर्ष से कम है तो इनमें आपको छूट दी गई है, वैक्सीन वगैरह में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, अगर बात करें वेबसाइट की तो आपको पता है covid19.com, ये आपको वेबसाइट आपको दिख रही होगी, इस पे आपको ये पूरा सबमिट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, पंजीकरण या बोल दो या फिर सर्टिफिकेट, आपको रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, वो सब आपको इसमें करवाना पड़ेगा। जी हाँ, आगे बात करें तो ओमान सरकार ने बोला कि भाई जो लोग ओमान आ रहे हैं उनके पास में 1 महीने का इंश्योरेंस बीमा होना जरूरी है। बीमा समझ गए ना, कि आपने जहाँ से टिकट ले रहे हैं ना वहीं से आप इंश्योरेंस बीमा करवा सकते हैं, 500-700 हज़ार रुपये के समथिंग 1 महीने की बीमा का लगता है, तो आपको बीमा करवाना जरूरी है, जो 1 महीने वैलिड रहती है, 1 महीने के बाद कोई चक्कर नहीं है, वो कैंसिल भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो चलेगा। बात करें भाई राजस्थान के लोग, अगर आप दुबई ओमान जाना चाहते हैं, जी हाँ, तो फ्लाइटों की अगर बात करें तो बता दूं 8 सितंबर की फ़्लाइट है जयपुर से ओमान मस्कत के लिए, जी हाँ, और 11 सितंबर की फ़्लाइट है जयपुर से, जी हाँ, और 15 सितंबर की फ़्लाइट है, 18 सितंबर की फ़्लाइट है और 22 सितंबर की फ़्लाइट है। जी हाँ, ये फ़्लाइटें जयपुर से ओमान के लिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई आप कहीं से भी, कैसे भी, अपने एजेंट से, जैसे भी आप हैं, टिकट बना के ओमान, राजस्थान वालों के लिए अच्छी बात यह है कि आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, इतना लंबा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जयपुर एयरपोर्ट पे रैपिड टेस्ट की व्यवस्था भी है, वहाँ पे 3,000 के करीब आपका पैसा लगेगा,
कोविड आपका रिपोर्ट कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है भाई। ओमान जाने वालों के लिए सबसे बेस्ट मुझे लगा कि फ़्लाइटें स्टार्ट है। आपको पता है आज 4 सितंबर से दुबई ने भी इंडिया के लिए फ़्लाइटें स्टार्ट अपनी ओपन कर दी हैं जयपुर से, और ओमान ने ओमान की भी फ़्लाइट हैं ओपन है। तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ओमान जाने वाले लोगों के लिए। और भाई जिनका वीज़ा एक्सपायर हुए हैं उनका, आपको पता है ओमान ने बताया था कि वीज़ा उनके एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक का शायद टाइम दिया है, जो पिछले वीडियो मैंने आप सबको बताया था। वो वीज़ा आप किस तरह से रिन्यू होता है, किस तरह से आप जाओगे, आप अपने एजेंट से या अपनी कंपनी से या फिर वहाँ पे आपका जो भी कफील है, नियुक्ता मालिक जो भी है, उनसे कॉन्टेक्ट करिए कि हमें आना किस तरह से होगा, क्योंकि उसका अभी क्लेरिफिकेशन है नहीं अपने पास में कि भाई पुराने वाले वीज़ा से आप जा सकते हैं या फिर आपको कोई कंपनी अथोराइज लेटर भेजेगी, वो लेटर आपको एयरपोर्ट पर दिखाना पड़ेगा, या फिर आपको वहाँ से कोई वीज़ा एक्सटेंड किया जाएगा, वो ऑनलाइन शो करेगा कि भाई आपका वीज़ा बढ़ा दिया गया है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो आपको पता लगाने की ज़रूरत है। और जनवरी से लेकर अगर बात करें अगले अभी तक की, तो भाई अभी लगभग लोगों के वीज़ा अभी ख़त्म हुए हैं, सबके वीज़ा अगर आप एक्सटेंड होते हैं आप जाते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये अच्छी बात है। तो ओमान से रिलेटेड बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।